आज का दिन एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया। पेरिस से काहिरा जा रहा इजिप्ट एयरलाइंस का विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पेरिस से काहिरा जा रहा इजिप्ट एयरलाइंस का विमान MS-804 हादसे का शिकार हो गया और इसमें सवार सभी 69 लोगों की मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इस विमान ने पेरिस के चार्ल्स द गाल एयरपोर्ट से बुधवार की रात लोकल टाइम 11:09 पर उड़ान भरी थी और रात 2:45 पर 37,000 फीट की ऊंचाई पर रडार से गायब हो गया था। तब से यह विमान सबके लिए चिंता का सबब बन गया था। विमान में सवार लोगों के सगे संबंधी इसके सुरक्षित होने की कामना कर रहे थे, लेकिन जब विमान के क्रैश होने की खबर आई तो विमान में सवार लोगों के परिवारों पर कहर टूट पड़ा। इजिप्ट एयर के उपाध्यक्ष कैप्टन अहमद अदेल ने बताया कि विमान में 69 यात्री सवार थे, जिसमें 2 नवजात थे। विमान के कैप्टन के पास 6,000 उड़ान घंटे विमान को उड़ाने का अनुभव था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर के पास 4,000 घंटे का अनुभव था। फिलहाल मिस्र की नौसेना इलाके में विमान की खोज के लिए बचाव अभियान चला रही है। देखते रहिए टीवी लाइव।